हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैट टॉक्स। आज हम बात करेंगे बच्चों में दी जाने वाली एक ओरल सॉल्यूशन के बारे में, जिसका नाम है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल सॉल्यूशन डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर छोटे बच्चों को मुख्यतः कॉमन फीवर, डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर, चिकनगोनिया फीवर व टाइफाइड फीवर में, या फिर बच्चों में 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 99 डिग्री फारेनहाइट से अधिक का बुखार मेजर किया जाए, तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन द्वारा छोटे बच्चों को पैरासिटामोल ओरल सॉल्यूशन देने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पैरासिटामोल ओरल सॉल्यूशन की डोजेस के बारे में। अगर डोजेस की बात करें तो किसी भी दवा का इस्तेमाल खुद से या सेल्फ मेडिकेशन के द्वारा ना करें। अगर जनरल डोज की बात करें तो बच्चों में 15 mg प्रति किलोग्राम के हिसाब से पैरासिटामोल ओरल सॉल्यूशन डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्रिप्शन पर लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, यदि किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम का है तो उसे 150 मिलीग्राम पैरासिटामोल ओरल सॉल्यूशन बच्चे को दिया जाता है। आइए हम इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा समझने का प्रयास करें। जैसे कि हमने बात करी 15 mg प्रति किलोग्राम। अब फिर से उदाहरण के तौर पर समझते हैं, यदि किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम का है तो उसे हम दवा देंगे जैसे कि 15 mg प्रति किलोग्राम। तो प्रति किलोग्राम में हमारे पास बच्चे का वजन दिया गया है 10 किलोग्राम, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 मिलीग्राम इज इक्वल टू 150 mg। वैसे ही अगर हम किसी बच्चे का वजन हमारे पास 40 किलोग्राम से अधिक है तो उसे डॉक्टर्स द्वारा या उसे हम एडल्ट डोज भी दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पैरासिटामोल ओरल सॉल्यूशन के साइड इफेक्ट्स की। अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मुख्यतः इसके साइड इफेक्ट्स ओवरडोज या फिर अन्य कारणों के द्वारा देखे गए हैं, जैसे कि बच्चों में नाउजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फीलिंग टायर्डनेस, या फिर पैरासिटामोल ओरल सॉल्यूशन का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बच्चों में लीवर डैमेज तक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना पैरासिटामोल ओरल सॉल्यूशन व इसके डोजेज तथा इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में। यदि दी गई जानकारी आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।